अस्सलामु अलैकुम। पीपल पर आर पर एक जॉब पोस्ट हुई, गूगल शीट टू पुल माइलेज फ्रॉम गूगल मैप्स एपीआई। ये जॉब मेरी स्किल से रिलेटेड थी। बोरस डी नाम के सेलर ने ये जॉब पोस्ट की थी और उसने इसके लिए $15 का बजट रखा था। मैंने इसके लिए एक बेहतरीन किस्म का प्रपोजल बनाया। जॉब कुछ इस तरह थी कि उसको एक शीट ऐसी चाहिए थी जिसमें वो ओरिजिन और डेस्टिनेशन सेलेक्ट करे और उन दोनों सिटीज़ के दरमियान का फासला माइल्स या किलोमीटर में ऑटोमेटिकली शीट पे आ जाए। मैंने एक बेहतरीन किस्म का प्रपोजल बनाया और सेलर को सेंड कर दिया। सेलर को प्रपोजल पसंद आया, उसने गूगल शीट का लिंक मेरे साथ शेयर कर दिया और जो इस जॉब के लिए बजट था $15 वो डिपॉजिट कर दी। इसके साथ साथ उसने मुझे एक एपीआई की भी दी, क्योंकि ये गूगल मैप की मदद से माइलेज निकालना था तो उसके लिए एक एपीआई की चाहिए थी। ये एक पेड की होती है तो वो सेलर ने प्रोवाइड की। मैंने गूगल शीट का लिंक ओपन किया तो जो शीट सामने आई उसमें कुछ रॉ डाटा इस तरह का था कि टॉप पे कार आईडी लिखे हुए थे। ये टोटल 10 कार थी जिनके अलग अलग नंबर थे और इसके अलावा यूएसए की 5 स्टेट्स थी, हर स्टेट के सिटीज़ भी लिस्ट किए हुए थे। था कि वो किसी एक स्टेट के एक सिटी से उसी स्टेट के किसी दूसरे सिटी का दरमियान अगर ट्रैवल करती है इन टॉप में से 10 में से कोई एक व्हीकल तो उसका माइलेज निकल आए, या किसी एक स्टेट के किसी सिटी से किसी दूसरी स्टेट के किसी सिटी में ट्रैवल करती है कोई गाड़ी तो उसका माइलेज निकल आए। उसको एक मेन शीट चाहिए थी जिसमें तमाम कार्स के माइलेज कंबाइन हो के भी शो हों। हर कार आईडी के लिए अलग अलग शीट चाहिए थी। मैंने सबसे पहले इस शीट को रेफरेंस शीट का नाम दिया और फर्स्ट कार जिसका आईडी था 777 उसके नाम से एक अलग शीट बनाई और इस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी। सबसे पहले हेडिंग बनाई, ओरिजिन इसकी सिटी और स्टेट के अलग अलग कॉलम, इसके बाद डेस्टिनेशन उसकी सिटी और स्टेट के अलग अलग कॉलम, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम्स में माइल और किलोमीटर की हेडिंग दी। इसको थोड़ा फॉर्मेट किया। फॉर्मेट करने के बाद मैंने तमाम सिटीज़ तमाम स्टेट्स के जितने भी सिटीज़ थे उन सब को मैंने ड्रॉप डाउन बनाने के लिए ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट किया और जो डाटा वैलिडेशन रूल ओपन हुआ उसमें ड्रॉप डाउन फ्रॉम ए रेंज सिलेक्ट किया। इसके बाद तमाम सिटीज़ की रेंज इसमें इंटर की। टॉप पे सिलेक्ट सिटी लिख दिया था ताकि सिलेक्ट सिटी की ऑप्शन टॉप पे रहे। रेंज सिलेक्ट करके ओके कर दिया। तमाम सिटीज़ की लिस्ट बन गई, इसको मैंने डन कर दिया। जैसे ही डन किया तो 777 वाली कार आईडी की शीट में तमाम सिटीज़ की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। सिलेक्ट सिटी को मैंने ओके कर दिया। इसको मज़ीद फॉर्मेटिंग दी, डिफरेंट कलर दिया, ड्रैग डाउन किया, तमाम पे सिलेक्ट सिटी शो हो रहा था। जिस मर्जी सेल से अपनी मर्जी का सिटी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह मैंने स्टेट्स का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई सेम उसी प्रोसेस के तहत और इसकी भी फॉर्मेटिंग कर दी। सिटी और स्टेट को कॉपी पेस्ट करके डेस्टिनेशन वाले सिटी स्टेट में पेस्ट कर दिया और इनको भी ड्रैग डाउन कर दिया। इस तरह मेरे पास ओरिजिन और डेस्टिनेशन का एक फॉर्मेट बन गया। अब मुझे माइल्स और किलोमीटर में डाटा चाहिए था। मैंने थोड़ी फॉर्मेटिंग की। मेरे पास एक कोड था जिसमें मैं गूगल मैप से एपीआई की डालकर किसी भी दो सिटीज़ के दरमियान का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक्सटेंशंस पे क्लिक किया, ऐप स्क्रिप्ट पे क्लिक किया। इसके बाद कोड वाले पेज पर मैंने इस कोड को
पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देखें यूअर एपीआई की है, इस पे मैं वो की पेस्ट लगाऊंगा जो मुझे सेलर ने शेयर की थी। सबसे पहले एपीआई की को कॉपी करूंगा, उसको यहाँ पे पेस्ट करके ये एक्स्ट्रा वर्ड्स को डिलीट कर दूंगा। एपीआई की लग गई है, इसको मैं सेव करूंगा और रन की कमांड दे दूंगा। और टॉप पर गेट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला या फंक्शन बन जाएगा। इस फंक्शन को मैं जिस मर्जी सेल में लगाकर कोई भी दो सिटीज का डिस्टेंस निकाल सकता हूं। अब टॉप पर जो गेट डिस्टेंस ओरिजिन डेस्टिनेशन का फंक्शन तैयार हुआ है, इसको मैं माइल वाले कॉलम में जाके अप्लाई करूंगा। गेट डिस्टेंस, इसके बाद सिटी और स्टेट ओरिजिन के और सिटी और स्टेट डेस्टिनेशन के सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा, लोडिंग हो जाएगी। अब मैं यहां से सिटी सिलेक्ट करूंगा, सबसे पहले अलेक्जेंडर सिटी और इसका स्टेट सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं डेस्टिनेशन में होमर और उसका स्टेट सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास माइल निकल आएंगे। ये देखें फंक्शन ने काम किया है और दोनों सिटीज़ के दरमियान के माइल्स निकल आए हैं। अब मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो सिंपल है, इस माइल्स को 1.6 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास किलोमीटर निकल आएंगे। इसको ड्रैग डाउन कर दूंगा। अब मैं इसी अलेक्जेंडर सिटी को किसी और स्टेट के सिटी से माइलेज निकाल के चेक करूंगा। तो इस तरह करके मैं सारी स्टेट्स के डिफरेंट सिटीज़ से अलेक्जेंडर सिटी के माइलेज निकालूंगा। ये देखें ओके, माइल्स हमारे पास ऑटो पे शो हो रहे हैं, फंक्शन बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। इसके बाद अभी 777 कार आईडी की शीट तो तैयार हो गई है, लेकिन बाकी कार्स की शीट भी तैयार करनी है, तो इसी शीट की डुप्लीकेट शीट्स बना के उनको दूसरे कार आईडीज की नंबरिंग दे दूंगा। इस तरह मेरे पास तमाम कार्स की डिफरेंट डिफरेंट शीट तैयार हो जाएंगी। जब सारी शीट्स तैयार हो जाएंगी तो इसके बाद फिर हर शीट के एंड पे माइलेज का सम निकाल लूँगा, ताकि जो डैशबोर्ड शीट तैयार की जाएगी उसमें तमाम कार आईडीज डाल के हर कार आईडी के जो कंपाइल्ड माइल्स होंगे उनको वहाँ पे पेस्ट किया जाएगा। ये देखें आपके सामने, इसकी मज़ीद फार्मेटिंग की ज़रूरत है ताकि ये शीट और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। ये सारा काम मैंने कंप्लीट किया और उसको सेंड किया, बदले में मुझे बेहतरीन किस्म का रिव्यू भी मिला और $15 मैंने चंद मिनटों में कमा लिए। बहुत आसान है, इस तरह के हज़ारों जॉब्स आप पीपल पर आर पर ढूंढ सकते हैं अपनी स्किल से रिलेटेड। आपने जस्ट पीपल पर आर पर आकर अपनी प्रोफाइल बनानी है, उसकी मैंने अलग से एक वीडियो पोस्ट की हुई है, आप उस वीडियो को देखें। हज़ारों लोगों ने वहाँ से पीपल पर आर पर अपने अकाउंट बनाए हैं और अप्रूव करने का भी कंप्लीट प्रोसीजर उस वीडियो में मैंने बताया है। आप उस वीडियो को देखें, अपना अकाउंट क्रिएट करें और अपनी स्किल से रिलेटेड जॉब्स ढूंढें, उस पे प्रपोजल सेंड करें, जॉब्स को कंप्लीट करें और घर बैठे सुकून से कम आप छोटे छोटे टास्क भी करेंगे तो 100 से लेके $500 तक डेली आप कमा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह की और वीडियोस भी आपके पास आती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।